If I talk about बेजुबा really gives goosebumps. मैं मैं मुझे आप उसके बारे में प्लीज एक बताइए. बेजुबा की कहानी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग ही है, बिकॉज हम लोग ना बहुत टाइट शेड्यूल में काम कर रहे थे. तो हम लोग टाइट शेड्यूल में काम कर रहे थे और मतलब ऐसा था कि शूटिंग शुरू हो चुकी थी मेरे ख्याल से. तो सीन वगैरह शूट कर रहे थे और सेट लगा हुआ था फिल्म सिटी में, और बोला भाई ये गाना बना के देना है. और हमारे पास कुछ नहीं, सचिन जिगर मैं स्टूडियो में, उन दिनों दिव्या रहता था हमारे साथ में, दिव्य कुमार जो सिंगर है, ही यूज्ड टू असिस्ट सचिन जिगर. तो सचिन जिगर, दिव्या, मैं और प्रिया, जो जिगर की, जिसने जिगर के साथ जिसने शादी की बाद में, प्रिया एंड लिरिसिस, प्रिया सिंह. तो हम चारों पांचों स्टूडियो में पड़े रहते थे. और मतलब उनके स्टूडियो के बाहर ये एक वो क्या बोलते हैं कॉरिडोर था, वो कॉरिडोर में हम लोग क्रिकेट खेलते थे प्लास्टिक के बॉल से. तो क्रिकेट पूरा क्रिकेट खेलते खेलते बीच में कभी गाना भी कर लेते थे, वैसा था. या तो क्रिकेट खेलते थे या ये लोग, हाँ. तो वो 8-9 महीने तक हम लोग यही कर रहे थे, रोज क्रिकेट खेलते थे और गाना बनाते थे. सो ये गाना बन नहीं रहा था, ये पता नहीं क्या हो गया. अच्छा, उस दिन स्टूडियो में कोई नहीं, सिर्फ सचिन जिगर और मैं थे, बाकी कोई था नहीं. और ये उनका पुराना स्टूडियो था, तो उसकी काली वॉल्स जो अंदर थी वो बिल्कुल बहुत डार्क था बिल्कुल. तो बोला नहीं बन रहा है. फिर सचिन जिगर ने ना एक बेड बनाया था म्यूजिक का, एक जो बेड होता है ना, सो बेड था जिसमें कॉर्ड थे और बस एक रेफरेन उसका जो है वो चल रहा था, डंग 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 डंग, वो लूप में चल रहा था. वो लूप मार दिया, वो लूप लगा दिया और स्टूडियो में वो बज रहा है. और लाइटें वाइटें बंद कर दी, एक कोने में सचिन लेट गया, एक कोने में जिगर लेट गया, एक कोने में मैं बैठ गया सोफा के ऊपर ऐसे करके. हमें सूझ ही नहीं रहा है कुछ इस बात, और हम लोग ना, मुझे कुछ वर्ड सूझ रहे हैं ना उन्हें कोई ट्यून सूझ रही है. और ये, और हम लोग पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ कि हम लोग 15 मिनट तक कोई कुछ बोला ही नहीं, फॉर 15 मिनट्स, बिकॉज हम तीनों बहुत बोलते हैं और हम तीनों 15 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गए. तो मैं सडनली खड़ा हुआ, मैंने कहा यार हम तो बिल्कुल बेजुबान हो गए. तो सचिन ने बोला, अरे मयूर भाई ये वर्ड अच्छा है, इस पे लिखो आप गाना. तो मैंने आपके पास ये सिचुएशन थी कि ये लड़का है और तो फिर मैंने कहा यार ये मतलब सिचुएशन तो मुझे पता थी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है यहाँ पे गाना आना. फिर बाद में मैंने सचिन को बोला ठीक है, चल तुझे क्या सूझ रहा है, कैसा गाना तुझे चाहिए. तो उसने बोला मुझे ना ऐसा गाना चाहिए जो बहुत ऐसा इंटेंस, मयूर भाई ऐसा जिसमें खून खौल उठे, ऐसा गाना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने कुछ लिखा और उसकी ट्यून भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैंने खुद ही लिखा. मैं तेरे को सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग. तो मैंने लिखा, वही लूप चल रहा था, डंग 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 डंग, वही लूप चल रहा है. इमेजिन दैट लूप. एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई सेड घाव में उबलता लहू, मुझसे ये कहता है तू, जल जा जब तक तेरी नस नस जाए ना झुलस, जब तक ना बुझे ये किस्मत की हवस, तू गा ओ अभी ना रुको, अभी थोड़ी जान बाकी है, थोड़ा एहसान बाकी है, घोटा क्यों गला है, आधा पूरा कर लो इरादा, ले लो मुझसे ये खून सारा सारा, है तुम्हारा बेजुबान कब. तो ये मैंने लिखा तो सचिन और जिगर को बहुत अच्छा लगा. लेकिन सचिन ने बोला, मयूर भाई ऐसा मेरे को तो गूज़बम्स वगैरह आ गया, ये बहुत बहुत अच्छा है पर ये बहुत डार्क हो गया, ये बहुत ज़्यादा सैड हो गया और बहुत ज़्यादा अपने को पंच वाला गाना बनाना है, अपने को डार्क जोन में नहीं जाना है, बिकॉज डांस कर पाएंगे ना, वरना वो लोग डांस ऐसे दुखी होकर एक आदमी गाएगा तो डांस कैसे शूट करेंगे. तो आई सर अभी इतना मैंने कर दिया, अभी तुम लोग बनाओ गाना. फिर उसने बोला मुझे ना ये लहू वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा लगा. तो ही स्टार्टेड हमी है जो लहू इस पे कुछ कर सकते हैं क्या. आपने जब एक लाइन बोली ना, मुझे उसी समय गूज़बम्स मिल गए. हाँ, तो मैंने कहा हाँ, है जो लहू मेरा
बहता चला. सो देन देन आफ्टर दैट 15 मिनट में गाना हो गया. उसके बाद 15-20 मिनट में द सॉन्ग वॉज रेडी. बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं बनता है, नहीं बनता है, बहुत टाइम तक नहीं बनता है, और फिर बन जाता है तो बन जाता है. क्या बात. तो डिशुम बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है मेरी लाइफ में, क्योंकि जाने के है मन बाबरा, ये दिस इज एन अर्ली फेज का सॉन्ग. मैं नया नया सॉन्ग राइटर बना था और बहुत ही मजा आया था इस तरह का काम करने में, क्योंकि उस वक्त बहुत नया था. उस वक्त ना लोग हिंदी यूज नहीं करते थे गानों में, मोस्टली उर्दू होते थे, और प्योर हिंदी बहुत कम लोग यूज, कभी बहुत ही रेयरली यूज होता था.